नमस्कार, स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आर्टिकल 370 पर केंद्र सरकार के फैसले के बाद जम्मू कश्मीर के इंडस्ट्रियल सिनेरियो पर उसका क्या असर पड़ेगा, इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ हैं बड़ी ब्राह्मणा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और साथ ही में फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के को चेयरमैन ललित महाजन। बहुत बहुत स्वागत आपका ललित जी। आपसे समझना चाहूंगी कि इस वक्त आर्टिकल 370 पर फैसले के बाद इंडस्ट्रियल सिनेरियो जम्मू कश्मीर में क्या है? ऐसा है कि अभी जो अगर आप इमीडिएटली ये जो 370 को उठाया गया है उसकी वजह से अभी तो फॉर द टाइमिंग अभी जब तक ये यूनियन टेरेटरी में कन्वर्ट नहीं होता तब तक हम इसके बारे में कोई, क्योंकि जिसने भी हमारी स्टेट के एक्ट हैं वो सारे एक्ट रिपील होंगे, नए एक्ट आएंगे। पर एक चीज़ है कि 370 जो है 370 हटने के बाद यहाँ पे हमारे को ये है कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ काफ़ी आने की उम्मीद है, क्योंकि कुछ लोग पहले क्या करते थे कि कुछ लोगों के माइंड में थोड़ी लिमिटेशन थी यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लैंड लॉ थे, लैंड लीज पे दी जाती थी। उसके बाद जो यहाँ पे जो उनके टेक्निकल स्टाफ आता था उनको यहाँ पे उनको राइट्स दिए जाते थे, तो एक वो एक बॉटलनेक था। पर अगर आप आज की डेट में देखें, आज हमारी स्टेट में जब से इंडस्ट्री चल रही है तो हमारी स्टेट में अगर 370 के बाद भी इंडस्ट्री चलनी है उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को जो इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे। आप अगर देखिए कि अगर आप पीछे चले जाएं कि जब 2002 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, एनडीए की गवर्नमेंट थी, उन्होंने यहाँ पे जब इंसेंटिव्स अनाउंस किए जिसमें इनकम टैक्स हॉलीडे थे, सेंट्रल एक्साइज की 100% रीइंबर्समेंट थी, वो क्या हुआ कि 2008 में जाके यूपीए गवर्नमेंट ने उसको डिल्यूट कर दिया, वो इंसेंटिव को डिल्यूट कर दिया, और 2010 में उसको और डिल्यूट कर दिया गया, कुछ आइटमों को जीरो में 0% में डाल दिया। तो यहाँ से थोड़ी थोड़ी इंडस्ट्री जानी चली गई। पर 2000 प्रायर टू जीएसटी हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री चल रही थी, और जो इंडस्ट्री में हमारी एम्प्लॉयमेंट है अगर आप देखें डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है आज भी दैट इज़ अराउंड इक्वल टू गवर्नमेंट जो है, इसमें कुछ लोग डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है, कुछ की कोई ट्रांसपोर्टर हैं, जो भी है मतलब सारे। अभी तक जो आज का सिनेरियो देखें, आज के सिनेरियो में क्या है कि जब जब कश्मीर में डिस्टर्बेंस हुई है हमारे यहाँ जो लोग तो यहाँ से बाहर मेटल भेजते हैं उनको उसका इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, पर जो हमारे लोकल एमएसएमई यूनिट्स हैं जिनकी डिपेंडेंसी कश्मीर पे है तो उनके लिए क्या है कि हमेशा आप देखिए 2008 में हम लोगों के काफ़ी वहाँ पर लॉसेज हुए, काफ़ी दिन बंद रहा, फिर 2014 में फ्लड आ गए, 2016 में और भी इशू बन गए, तो उसकी वजह से इंडस्ट्री जो है जो लोकल इंडस्ट्री है सन ऑफ द सॉयल की वो उसने काफ़ी सफ़र किया जो है। आर्टिकल 370 से के अमेंडमेंट से पहले कौन सी ऐसी कंसेशन थी जो इंडस्ट्रियलिस्ट को मिल रही थी जो अब नहीं मिलेंगी? नहीं ऐसा जी, आर्टिकल 370 से पहले क्या था कि हमारे को यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इंसेंटिव थे और जो स्टेट गवर्नमेंट के इंसेंटिव थे वो दोनों यहाँ इंडस्ट्रीज को मिल रहे थे, पर उसमें भी थोड़ी डिस्क्रिमिनेंसी थी कि जो यूनिट सेंट्रल एक्साइज में कवर थे जीएसटी लगने से पहले उनको इंसेंटिव ज़्यादा मिल रहे थे, जो सेंट्रल एक्साइज में कवर नहीं थे उनको कम मिल रहे थे। तो यहाँ लोकल इंसेंटिव अगर स्टेट गवर्नमेंट के देखें उसमें आपस में कंपटीशन करा दिया गवर्नमेंट ने, जो सेंट्रल एक्साइज में कवर थे उनको कुछ इंसेंटिव दे दिए, जो सेंट्रल एक्साइज में कवर नहीं थे उनको कुछ इंसेंटिव दे दिए। तो उस ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या हुआ कि जो उन्होंने जीएसटी लगने के बाद जो हमारे इंसेंटिव्स थे उनको डिल्यूट कर दिया जैसे, और उससे क्या हुआ कि हमारे जो टोटल इंसेंटिव की क्वांटम है वो 1/4 पे आ गई। तो उसका क्या हुआ कि काफ़ी यूनिट जो हैं बीच में कुछ यूनिट हमने प्रोडक्शन बंद भी कर दी, क्योंकि जब देखिए रीजन हमारी स्टेट क्या है, इट इज़ ए लैंड लॉक स्टेट सराउंडेड बाय पाकिस्तान चाइना, हमारे पास लोकल मार्केट तो कोई नहीं है, यहाँ पे जो लोकल यूनिट स्मॉल स्केल यूनिट लगे हैं वो लोकल कश्मीर तक फीड करते हैं, उनको यहाँ से अगर वो पंजाब में भेजना चाहें उनको कोई यहाँ से वो भेज ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी रॉ मटेरियल की कॉस्ट ज़्यादा है, और यहाँ से फिनिश गुड भेजेंगे जब बाहर से रॉ मटेरियल मंगाएंगे ट्रांसपोर्टेशन एक्स्ट्रा देंगे या बना के बाहर भेजेंगे, तो जो लोग दिल्ली में या हिमाचल में या और कंट्री के पार्ट्स में बैठे हैं उस पार्ट्स में क्या होगा कि उनको वो यहाँ से उनका मटेरियल की कॉस्ट कम पड़ेगी हमारी ज़्यादा है। उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि दो इंसेंटिव दिया गया स्टेट गवर्नमेंट ने, एक दिया गया कि एक तो दी ट्रांसपोर्ट सब्सिडी इन्होंने दी, वो भी 1000 किलोमीटर से ऊपर जिसका मटेरियल जाएगा उसको दी स्टेट गवर्नमेंट ने, पर उसका कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ हमारे जो जो यूनिट कश्मीर में भी है हमारे,
जम्मू में या कश्मीर में है, अगर दिल्ली तक मटेरियल भेजते हो 1000 किलोमीटर कवर नहीं होता, तो उस ट्रांसपोर्ट सब्सिडी का हमारे उन यूनिट को कोई बेनिफिट नहीं हुआ। एक इंसेंटिव था जो प्रायर टू GST 2% जो CST लगता था उसकी एग्जम्पशन थी, इन लियो ऑफ दैट गवर्नमेंट ने वो 2% भी दे दिया। पर उसमें क्या कर दिया उन्होंने, राइडर लगा दिया कि 2016-17 में जो लोग इंटरेस्टेड सेल करते थे उनको उतने अमाउंट का मिलेगा। अब उसमें क्या हो गया, डिस्पैरिटी आ गई, जो 2016-17 से पहले जो यूनिट इंटरेस्टेड सेल नहीं करते थे या जो 2016-17 के बाद जिन्होंने की उनको उसका बेनिफिट नहीं मिला। तो उसकी वजह से क्या हो गया कि जो एक ना लोगों के माइंड में ये आ गया कि ये डिस्क्रिमिनेशन कर दिया बिटवीन फ्यू यूनिट्स एंड दी मेजोरिटी ऑफ द यूनिट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इंसेंटिव आए हैं हमारे, वो इंसेंटिव भी जो चल रहे हैं उसमें तो जो इंसेंटिव डिल्यूट कर दिए गए, और उसमें अभी कुछ इंसेंटिव दिए हैं उसमें बड़ी एक वो बात है हैरानी की, यहाँ पे इंसेंटिव दिया ट्रांसपोर्ट सब्सिडी का बाय वाटर बेस, यहाँ कौन सा वाटर बेस है जो है, अच्छा बाय रेल का भी दिया कि रेल हेड टू रेल हेड उस 20%, पर यहाँ रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है जो है। तो अच्छा उसके बाद क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है वो 2020 तक ही वैलिड है जो है, और उसमें जो यूनिट रजिस्टर करेगा वो 2022 उसको 18 महीने का टाइम मिलेगा। आज क्या 2019 भी आधा ख़त्म हो गया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जब तक यहाँ, ये तो एक बड़ी एक ओपन फैक्ट है कि जब तक यहाँ स्टेट के और सेंटर के इंसेंटिव नहीं होंगे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो सकती। जिस तरह से आपने कहा कि हमारी इंटरडिपेंडेंट इकोनॉमी है कश्मीर के ऊपर, तो कौन सी इंडस्ट्रीज है जिनका यहाँ अब 370 के बाद आना पॉसिबल है? ऐसे जी 370 के बाद यहाँ पे जो हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेजोरिटी जो गवर्नमेंट भी कह रही है कि हम यहाँ पे बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज लाएंगे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज जो आएंगे, हम तो एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला कि हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी लाएंगे, अगर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग लाते हैं तो उससे क्या होगा कि यहाँ जो स्मॉल स्केल सेक्टर है उनके साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, उनको बिजनेस मिलेगा। तो हमारी तो ये डिमांड है कि आप ऐसे इंसेंटिव दीजिए जिसमें सबको बेनिफिट हो, माइक्रो स्मॉल स्केल मीडियम लार्ज और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ताकि देखिए रीज़न है कि माइक्रो स्मॉल स्केल सेक्टर इज द बोन ऑफ द इकॉनमी अगर देखा जाए पूरी कंट्री में, तो उनको जब तक यहाँ से इंसेंटिव नहीं मिलेंगे लोकल जो हमारी लोकल सेल के जो विद इन द स्टेट है और आउटसाइड की स्टेट, उसके लिए जो इंसेंटिव अगर गवर्नमेंट देगी तभी यहाँ इंडस्ट्री आएगी। अदरवाइज आप देखिए ना बड़े इंडस्ट्रियल बिग हाउसेज जो भी आएंगे वो भी इंसेंटिव बेस में आएंगे। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, 2015 में यहाँ पे 15-16 में ब्लू स्टार कंपनी, उनको सांबा में लैंड दे दी गई, पर GST में जब तक GST के बेनिफिट्स आए तो GST के बेनिफिट इन्होंने दिए खाली स्टेट गवर्नमेंट ने एग्जिस्टिंग यूनिट को, नए यूनिट के लिए बेनिफिट कोई नहीं था, तो उन्होंने वो पैकअप करके चले गए, उन्होंने लैंड गवर्नमेंट को वापस कर दी, वो पैकअप करके चले गए। तो इंसेंटिव एक तो हमको चाहिए, इंसेंटिव हमारे स्टेट के सेंटर के हों वो एटलीस्ट फॉर 20 ईयर्स मिनिमम, कोई जो लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करेगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ आप इन स्टेट गवर्नमेंट के पास लैंड की अवेलेबिलिटी नहीं है ड्यू टू लिमिटेड, इनके जो कॉरपोरेशन बने हैं उन्होंने लैंड एक्वायर नहीं करवाए हैं। हम चाहते हैं कि जितने एग्जिस्टिंग यूनिट होल्डर हैं और जो बाहर से आएंगे सबको इंडस्ट्री लगाने के लिए फ्री होल्ड लैंड दे दो। जब आप उनको फ्री होल्ड लैंड देंगे तो फ्री होल्ड लैंड का और लीज होल्ड लैंड में काफ़ी फ़र्क होता है। जो लोग बैंकों से फाइनेंस कराते हैं फ्री होल्ड लैंड के लिए ज़्यादा उनको प्रेफरेंस मिलता है, लीज होल्ड पे नहीं मिलता है। तो हमारी ये भी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि लैंड जो इंडस्ट्री को दी जाए सारी फ्री होल्ड पे दी जाए। आपसे मैं समझना चाहूँगी कि अब आप क्या चाहते हैं कि सरकार की कोशिशें क्या होनी चाहिए, जो बाहर से इंडस्ट्रीज यहाँ पे आए उनको इंसेंटिव देने की, या जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियलिस्ट है उन्हें पहले स्ट्रेंथन किया जाए? देखिए जब तक आप यहाँ एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियलिस्ट को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे तो बाहर से नई इंडस्ट्री ले आएंगे, एग्जिस्टिंग खत्म हो जाएगी। तो नीड ऑफ दी आवर है कि सबसे पहले आप एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज की प्रॉब्लम देखिए कि जो पिछले यहाँ 40-40 साल से लोग चला रहे हैं उनकी क्या प्रॉब्लम है, उनको रिजॉल्व करो, उनको भी जो भी इंसेंटिव दिए जाएँ वो एग्जिस्टिंग को दिए जाएँ, एग्जिस्टिंग को सब्सटेंशियल एक्सपेंशन में और एग्जिस्टिंग को नए यूनिट जो नए यूनिट आएंगे सबको एट पार इंसेंटिव दिए जाएँ। अदरवाइज क्या होगा कि नई इंडस्ट्री को आप इंसेंटिव दे देंगे तो पुरानी बंद हो जाएगी, और उसमें क्या होगा कि और नेगेटिव पॉइंट क्या आएगा, अगर आप एग्जिस्टिंग को नहीं देते और नई को देते हैं तो आपस में कंपटीशन हो जाएगा। तो ये डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए, इंसेंटिव एट पार सबको दीजिए। और हमारे को उम्मीद है कि यहाँ पे
अगर गवर्नमेंट ने अच्छे इंसेंटिव दे दिए एग्जिस्टिंग को भी, स्टेट गवर्नमेंट के भी, अब तो यूटी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो स्टेट गवर्नमेंट के इंसेंटिव जो विद इन द स्टेट और सेंटर के इंसेंटिव फॉर द सेल ऑफ आउट ऑफ द स्टेट, स्टेट के इंसेंटिव भी जो हों, जो भी चल रहे हैं, हम चाहते हैं वो सारे इंसेंटिव कंटिन्यू रहना चाहिए। आप चाहते हैं कि वो कंटिन्यू रहना चाहिए। 370 से पहले कौन कौन से लॉज थे यहाँ पे जिनका बेनिफिट जो है यहाँ के एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियलिस्ट को हो रहा था, जो अब 370 पे फैसले के बाद शायद नहीं होगा? नहीं, मेरे को तो ऐसा नहीं लगता कोई कि 370 के कोई ऐसे लॉज थे जिसमें यहाँ लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट को कोई बेनिफिट था। नहीं था कोई बेनिफिट लोकल। देखो रीज़न है कि 370 में एक ही चीज़ आती थी यहाँ पे, जो है कि जो बाहर के इंडस्ट्रियलिस्ट आते थे उनको यहाँ लैंड जब लेनी पड़ती थी, उनको यहाँ लोकल, अगर वो प्राइवेट लैंड लेते थे तो किसी लोकल को पार्टनर बनाना पड़ता था। तो आप 370 के बाद हो सकता है ये लॉ जो है ये कन्वर्ट हो जाए कि जो भी लगाएगा उसको पूरे राइट्स होंगे। तो मेरे ख्याल से कोई मेरे को ऐसा लगता नहीं कि कोई ऐसे 370 में जब हम उससे कन्वर्ट होंगे यूटी में तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में कोई ऐसे, मेरे को लगता नहीं कोई ऐसे कोई बॉटल नेक लोगों को आएंगे जो पहले नहीं थे जो अब आएंगे, मेरे को ऐसा लगता नहीं कोई। एक और चीज़ मैं आपसे आखिर में समझना चाहूँगी कि 370 के चलते आपको लगता है कि जो राज्य सरकार थी यहाँ पे उन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ कोई जाती की? ऐसा जी, देखिए 370 जब यहाँ था तो हमारी जब हमने गवर्नमेंट के साथ यहाँ पे हमने उनके साथ नेगोशिएशन की हैं, उन्होंने हमको इंसेंटिव्स दिए हैं, तो बेसिकली क्या है कि कश्मीर इज़ मेंट फॉर टूरिज़्म, जम्मू इज़ मेंट फॉर इंडस्ट्री। बट जी, और जम्मू में जब भी हम लोगों को प्रॉब्लम आई है जितनी भी गवर्नमेंट रही है पीछे, तो हमको गवर्नमेंट ने हमारी बात सुनी है, हमको इंसेंटिव्स दिए हैं गवर्नमेंट ने। पर अभी आगे क्या हुआ कि जब GST लगा, GST के बाद जो है जो उस टाइम हमारे जो इंसेंटिव डिल्यूट कर दिए गए, उससे यहाँ हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को काफ़ी नुकसान हुआ है, काफ़ी यूनिट बंद हो गए हैं। जैसे हमारे को प्रायर टू GST हमारे को एक इंसेंटिव था यहाँ पे जो माइक्रो स्मॉल स्केल सेक्टर है, वैट रिमिशन। पर जब GST लगा है, इन्होंने हमको प्रॉमिस किया था कि हम जो 1700 करोड़ रुपया हम आपको साल का इंसेंटिव देते थे, वो सारा हम आपको सारा इंसेंटिव देंगे। पर बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि वो इंसेंटिव को डिल्यूट करके 1/4 पे ले आए। तो ये जो प्रीवियस गवर्नमेंट रही है वो उसमें हमारे लोगों के साथ हम उसको बोल ये कहें कि उसके साथ हमारा जो कॉन्फिडेंस था वो उन्होंने शटर कर दिया है। हम तो चाहते हैं कि जितने भी इंसेंटिव हमारे प्रायर टू GST थे वो सारे इंसेंटिव सेम पैटर्न में हमारे को दिए जाएं, एग्जिस्टिंग को भी, नए यूनिट को भी, और जो सब्सटेंशियल एक्सपेंशन में जाएंगे उससे क्या होगा कि लोकल जो ऑलरेडी वर्किंग यूनिट है उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, वो और इन्वेस्टमेंट करेंगे। और अगर आपने उनको नहीं दिए तो अल्टीमेटली क्या होगा कि यहाँ पे अगर यूनिट बंद होते हैं तो अल्टीमेट जब एक और सन ऑफ द सॉयल्स सबसे ज़्यादा जो अभी पोस्ट GST इंसेंटिव डिल्यूट हुए हैं उससे हमारे सन ऑफ द सॉयल को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि उनकी सेल विद इन द स्टेट है। और जब लोकल ही पॉपुलेशन है, लोकल लोग लगे हैं अब, और माइक्रो स्मॉल स्केल सेक्टर है, मेजोरिटी ऑफ दी जो एम्प्लॉयमेंट जनरेटर वही हैं, तो अगर आप इंसेंटिव डिल्यूट करोगे, उनको नहीं दोगे, तो अल्टीमेटली अनएम्प्लॉयमेंट का ग्राफ बढ़ेगा। तो हमारी तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से, हमारे होम मिनिस्टर हैं या गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट है कि जो हमारे इंसेंटिव प्रायर टू GST थे वो सारे इंसेंटिव रिवाइव करिए, और नए इंसेंटिव जो फॉर द इंटरस्टेट सेल जो हमारे इंसेंटिव थी, जैसे मैं एक इंसेंटिव को कहता हूँ, यहाँ अगर एक्सपोर्ट को प्रमोशन करना है, एक्सपोर्ट हमारे लिए, हमारी कंट्री के लिए एक बड़ा वाइटल इंडस्ट्रियलाइजेशन में है, तो उसके लिए आप हमारे को ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दीजिए अप टू पोर्ट। क्योंकि अभी क्या कि एक यूनिट अगर गुजरात में बैठा है वो एक्सपोर्ट कर रहा है, जो जम्मू में बैठा है वो कैसे उससे कम्पीट करेगा? बड़ी क्लियर बात है। ऐसे ही जितनी हमारी यहाँ से गुड्स डोमेस्टिक मार्केट के जाएंगी उसमें इन्होंने 1000 किलोमीटर का राइडर लगाया हुआ है, वो राइडर हटाना चाहिए। डेस्टिनेशन अप टू डेस्टिनेशन, अगर कोई पंजाब में भेजना चाहता है तो आप दोनों ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, क्या फर्क पड़ता है उससे? जी, इज इट पॉसिबल कि जैसा कि आपने कहा कि हमारा जो मेन मार्केट है वो डोमेस्टिक मार्केट है, क्या कश्मीर में डिस्टर्बेंस का या जम्मू के पेरिफेरल एरियाज के डिस्टर्बेंस का कोई असर पड़ता है इंडस्ट्रीज के ऊपर? और साथ ही में क्या ये पॉसिबल है कि यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज है वो अपनी मार्केट पंजाब में बनाए, हिमाचल में बनाए, दिल्ली में बनाए, क्या इज इट पॉसिबल? देखिए, हम तो ये एक चीज तो है कि जब जब कश्मीर में डिस्टर्बेंस हुआ है हमारी इंडस्ट्री ने, यहाँ जम्मू की इंडस्ट्री ने बहुत सफर किया। आज देख लीजिए आज कितने दिन हो गए हैं डिस्टर्बेंस है, उसमें स्टेट को रीज़न है कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम तो है, पर वो हम कहते हैं सिक्योरिटी
पॉइंट ऑफ व्यू से वो रहनी चाहिए जब तक, क्योंकि टू अवॉइड दी डिस्टर्बेंस। पर ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम आ गई है, गाड़ियाँ नहीं मिल रही हैं। अमृतसर से गाड़ी जा रही है कश्मीर, श्रीनगर कश्मीर 17,000 में, जम्मू से जा रही है 25,000 में। तो कॉस्ट अब इसमें है कि जो वहाँ ट्रेडर बैठा है तो वो आज GST लगा हुआ, तो अगर उसको 17,000 में वहाँ से गाड़ी मिलेगी तो वो क्या करेगा, वो हमारे से क्यों लेगा। तो डिस्टर्बेंस की वजह से जम्मू इंडस्ट्री ने हमेशा सफ़र किया है, और हम उम्मीद करते हैं कि जब यूटी बन जाएगी तो ये डिस्टर्बेंस ख़त्म हो जाए तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, अभी हमारी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा सेफ गार्ड क्या है, लखनपुर टोल टैक्स। लखनपुर टोल टैक्स क्या है, वो उसमें हमारी यहाँ पे जैसे सीमेंट इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है, पैकेजिंग इंडस्ट्री है, और भी इंडस्ट्री है, हमारे कई यहाँ ऑर्गेनाइजेशन उसके पीछे पड़े हैं जी कि आप लखनपुर का टोल टैक्स हटा दो। जिस दिन लखनपुर का टोल टैक्स हटा, यहाँ पे हमारी जो इंडस्ट्री है मैक्सिमम इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। और अनअकाउंटेड गुड्स, देखो आज लखनपुर बैरियर पे चेकिंग है, वहाँ पे वो टेस्ट चेक करते हैं, अनअकाउंटेड गुड्स यहाँ इतनी आ जाएंगी कि इंडस्ट्री सारी बंद हो जाएगी, और नियर बाय स्टेट से जो इन्फीरियर गुड्स आएंगी अल्टीमेटली उससे लोगों को यहाँ पे नुकसान होगा। तो हमारी तो गवर्नमेंट से ये अपील है कि लखनपुर का टोल टैक्स, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट यहाँ बन रहे हैं वो कंटिन्यू रहना चाहिए। और दूसरा सवाल यही था कि आपको लगता है कि ये पॉसिबल है कि जम्मू कश्मीर में जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो पंजाब में उनकी सेल हो, दिल्ली में उनकी सेल हो, या हिमाचल में उनकी सेल हो? है पॉसिबल है, उसके लिए मैंने आपको पहले भी बोला है कि हमारे को ट्रांसपोर्ट सब, हमारे को फ्रेट सब्सिडी दी जाए। उसमें क्या होगा कि वो फ्रेट सब्सिडी किस लिए है कि जो हमारी एडिशनल कॉस्ट ट्रांसपोर्टिंग आ रही है जब बना के बाहर भेजेंगे, तो अगर हमको फ्रेट सब्सिडी मिल जाए तो मेरे ख्याल से यहाँ हमारी जो एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमारी यहाँ मार्केट नहीं है, लैंड लॉक स्टेट है। पाकिस्तान को हम यहाँ से रूट कोई नहीं है, चाइना का रूट कोई नहीं है, पाकिस्तान वैसे ही हमारे से मटेरियल क्यों लेगा जो पोजीशन चल रही है। तो अगर हमको फ्रेट सब्सिडी दे दी जाए अप टू डेस्टिनेशन, उसमें राइडर नहीं होना चाहिए, अप टू डेस्टिनेशन दे दी सबको, एग्जिस्टिंग को भी, नए को भी, और जो नए और इन्वेस्टमेंट करेंगे, उससे क्या होगा कि हम इंटरस्टेट मार्केट डेवलप कर लेंगे। हमारे को, हमारे पास प्रोडक्शन है, आज हमारे यहाँ पे यूनिट जो चल रहे हैं 35-40% कैपेसिटी पे चल रहे हैं। आज हमारे को आप फ्रेट सब्सिडी दीजिए, हम बाकी स्टेटों में यहाँ से माल भेज सकते हैं। तो ये नीड ऑफ द आवर है कि इंटरस्टेट फ्रेट सब्सिडी हमको देनी चाहिए गवर्नमेंट को, और एडिशनल एक इंसेंटिव हमारा चल रहा है कि 2% टर्नओवर पे फॉर इंटरस्टेट सेल एक वो देना चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि इंटरस्टेट मार्केट में हम कम्पीट कर सकें। बाकी हमारे वैट रिमिशन के जो इंसेंटिव प्रायर टू GST थे, वो सारे इंसेंटिव दिए जाएं तो यहाँ पे इंडस्ट्री चलेगी, और एग्जिस्टिंग भी चलेगी और नई भी आएगी, ये हमको बड़ी उम्मीद है। और हम उम्मीद करते हैं कि अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, और जो इन्वेस्टर मीट होगी उसमें यहाँ बड़ा स्कोप है, इन्वेस्टमेंट आएगी। जैसे हमारे पत्नीटॉप एरिया हैं जो हैं, जहाँ पे आप IT बेस्ड इंडस्ट्री लगा सकते हैं, भद्रवाह किश्तवाड़ है, मतलब पोटेंशियल इज देयर, एरिया वाइज पोटेंशियल है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में यहाँ गवर्नमेंट जब UT बनेगी तो हमको काफ़ी यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन की उम्मीद है, उससे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम दूर होगी। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्किल डेवलपमेंट। हमारे यहाँ पे क्या है कि ITIs जो काम कर रही हैं, ITIs में ना उनके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है टू जो आज की डेट में स्किल को ट्रेन करने के लिए, तो उनको चाहिए अपग्रेडेशन की जाए, उनके जो एम्प्लॉज जो उनके प्रोफेसर हैं या टीचर्स हैं जो भी हैं, जो उनको कहीं बाहर के स्टेट में भेजा जाए, वहाँ उनको ट्रेनिंग दी जाए टू प्रोवाइड इसके लिए। अब जैसे डी फार्म, मैं बताता हूँ फार्मा इंडस्ट्री, फार्मा में क्या है कि यहाँ डी फार्मा बी फार्मा का कॉलेज ही कोई नहीं। तो हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि जम्मू में, क्योंकि यहाँ कम से कम 25-30 फार्मा इंडस्ट्री हैं, उनके लिए स्किल नहीं मिलता। तो जम्मू में अगर डी फार्मा का कॉलेज बनाया जाए या बी फार्मा का बनाया जाए, तो एक तो जो लोग बच्चे हमारे कोई जयपुर जा रहा है, कोई UP में जा रहे हैं, उनको यहाँ एजुकेशन मिल जाएगी, उनको यहाँ नौकरियाँ मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया ललित जी। तो आपने सुना कि इनका साफ कहना है कि सबसे पहले ज़रूरत है कि जम्मू कश्मीर में जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज हैं उन्हें स्ट्रेंथन किया जाए, जो इंसेंटिव्स प्री GST इनको मिल रहे थे उन्हें रिस्टोर किया जाए, एंड कोशिश ये की जाए कि जम्मू कश्मीर का जो यूथ है उनमें स्किल डेवलपमेंट हो, ताकि वो यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें काम कर सकें। अगर वो स्किल्ड होंगे तो वो यहाँ पे काम करेंगे और इंडस्ट्रीज भी यहाँ पे फ्लरिश करेंगी। फिर हाजिर होंगे किसी ऐसी वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।